रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर से जारी एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में जिला भाजपा उपाध्यक्ष अनिल कौशल, प्रवक्ता आदर्श कांत एवं जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने बजट एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का विरोध करने पर कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई है। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आजादी के बाद 70 वर्ष के इतिहास में श्रद्धा अटल की सरकार को छोड़कर जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने कभी देश के किसानों के प्रति नहीं सोचा। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से व्यापक पैमाने पर देश के किसानों के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमीरपुर से जारी एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में जिला भाजपा उपाध्यक्ष अनिल कौशल, प्रवक्ता आदर्श कांत एवं जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने बजट एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का विरोध करने पर कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई है। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आजादी के बाद 70 वर्ष के इतिहास में श्रद्धा अटल की सरकार को छोड़कर जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने कभी देश के किसानों के प्रति नहीं सोचा। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से व्यापक पैमाने पर देश के किसानों के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, केंद्र सरकार दिल संकल्प है कि 2022 तक देश के किसानों की आय दुगनी करनी है। यही कारण है कि जब भी केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, वे कृषि उन्मुख होकर किसानों की भलाई करने वाला ही रहा। पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में इस बार कृषि के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कृषि के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पहली बार देश में कृषि उत्पादों को शीघ्र मंडियों तक पहुंचाने के लिए किसान रेल एवं किसान हवाई उड़ान की बात कही गई है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण इस देश में दशकों तक किसानों को उनके अधिकार नहीं दिए गए, जबकि किसान ही हमारे देश के अन्नदाता हैं और हमारे कृषि प्रधान देश के रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है, तब से कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी नलायकी को छुपाने के लिए बजट का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के लोगों को अपने किसानों विरोधी विचारधारा का रुख स्पष्ट करने को कहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस निर्जला का सबसे बड़ा उदाहरण देश की राजनीति में प्रस्तुत कर रही है। पूरा देश जानता है कि जब भी देश में देश विरोधी तत्वों ने देश की शांति भंग करने की कोशिश की, तब तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया है। लेकिन उतनी बार ही कांग्रेस के नेताओं ने उन देश विरोधी तत्वों की देश के गद्दारों की पैरवी की है और उनका साथ दिया है। यही कारण है कि जब देश के गद्दारों के विरुद्ध कोई बात कही गई, तब कांग्रेस के लोग हमारे नेता का विरोध करने के लिए आगे हुए हैं। जिससे एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि कांग्रेस का हाथ देश के गद्दारों के साथ है। अब कांग्रेस का देश विरोधी एवं किसान विरोधी चेहरा जनता के सामने आ चुका है। देखिए, हाल ही के दिनों में जो वाकये हुए हैं, उससे जो कांग्रेस का किसान विरोधी और देश विरोधी चेहरा है, वो खुलकर जनता के सामने आ चुका है। कांग्रेस के लोग जो हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध कर रहे हैं, और नंबर दो वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का विरोध कर रहे हैं, जो कि मैं मानता हूं कि इस बार का जो बजट है वो कृषि आधारित बजट है। भारत सरकार ने इस बार जो केंद्र में बजट प्रस्तुत किया है, वह कृषि उन्मुख होकर किसानों की भलाई के लिए जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। आजादी के बाद 70 वर्षों में अगर हम श्रद्धा अटल जी की सरकार को छोड़ दें, तो कोई भी ऐसी सरकार इस देश में नहीं बनी जिसने किसानों की भलाई के बारे में सोचा हो। जबकि जब से भारत में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनी है, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेके हर बार का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बार भी जो बजट है उसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि के लिए किया गया है। पहली बार कृषि के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों का जो उत्पाद है, कृषि का उत्पाद, वो कैसे मंडियों में अतिशीघ्र पहुंचे, उसके लिए किसान रेल की बात कही गई है, किसान हवाई उड़ान की बात कही गई है। ये आज तक किसी ने नहीं सोचा। कांग्रेस को अपनी नालायकी नजर आ रही है। अपनी नालायकी को छुपाने के लिए जो है कांग्रेस जो है वो इस बजट का विरोध कर रही है। नंबर दो जो मैं कहना चाहता हूं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का विरोध ये कांग्रेस जो कर रही है, वो अपनी निर्लज्जता का सबसे बड़ा उदाहरण देश की राजनीति में प्रस्तुत कर रही है। दुनिया जानती है कि जब जब देश में देश विरोधी तत्वों ने देश की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं शीर्ष नेतृत्व ने उनका विरोध किया है। लेकिन कांग्रेस के नेता उल्टा उन्हीं देश विरोधी तत्वों के साथ खड़े नजर आए हैं, या तो उनका साथ देते नजर आए हैं या उनकी पैरवी करते नजर
नजर आए हैं। तो इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के गद्दारों के विरुद्ध कोई बात कही तो कांग्रेस के लोगों को जो है वो आग लग गई, उनको मिर्ची लग गई और वो निर्लज्जता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन देशरोधी तत्वों का साथ देने के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का विरोध कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस का जो चेहरा है वह देश विरोधी है, वह देश विरोधी तत्वों का साथ देते हैं और किसान विरोधी भी है क्योंकि वह किसान के जो भलाई वाला बजट है उसका भी विरोध कर रहे हैं। सर एक बात और, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फोर लाइन कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है ना ही वो रद्द किया गया है। इसमें जरूर अभी तक जो है पूरे तथ्य जो है बजट के वो सामने आने गए क्योंकि कभी कल ही में तो जो है बजट पेश किया गया, इसके पूरे तथ्य आ जाएंगे, जो फोर लाइन है वो बनेगा।